नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है दिल्ली की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं पहली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नए ठिकाने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल अगले 1 से 2 दिन के भीतर सीएम आवास खाली कर देंगे। आप सूत्रों के माने तो केजरीवाल के लिए घर फाइनल किया गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया परिवार के साथ नई दिल्ली विधानसभा में रहेंगे। वहीं गतपुरी टोल के निकट मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव की जन आशीर्वाद रैली में पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के हर महत्वपूर्ण मामले को उलझा रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीओके वापस लाने की बात नहीं करती, वह अनुच्छेद 370 वापस लाना चाहती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि सीमा पार पाकिस्तान भी यही बात करता है जो कांग्रेस करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है, जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत करना और परिणाम लाकर दिखाने पर केंद्रित रहती है। वहीं जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और 150 लद्दाखियों को मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस ने रिहा किया, लेकिन फिर से हिरासत में ले लिया। वांगचुक और अन्य हिरासत में लिए गए लद्दाखियों को मंगलवार रात को जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वे दिल्ली के मध्य भाग की ओर मार्च करने पर अड़े हुए थे, इसलिए उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया है। वहीं दिल्ली में नियमित हुई 567 कॉलोनियों और 105 गांव में बिजली के नए कनेक्शन लगाए जाएंगे। एलजीबी के सक्सेना के आदेश पर डीडीए ने बिजली कंपनियों को अनुमति दे दी है। अधिकारियों ने कहा है कि इस फैसले से कई लाख लोगों को लाभ होगा। बता दें, लैंड पुलिंग अधिनियम 2018 के जारी होने से पहले निगम ने 567 कॉलोनियों को नियमित कर दिया था। इधर नोएडा एयरपोर्ट से पहली व्यावसायिक फ्लाइट 17 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। पहले ही दिन से घरेलू के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू हो जाएंगी। विमानों की उड़ान शुरू करने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुट गई है। टिकटों की बुकिंग फरवरी में शुरू हो जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।